हाँ तो दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर टाइम होगा तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये 27 मिनट का वीडियो है और ये जो है सवाल थोड़ा जो है कठिन है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे तभी जो है समझ में आएगा। टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा, टाइम जब तक आप लोग नहीं देंगे तब तक ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो अभी स्किप कर दीजिएगा अगर नहीं देखना होगा तो, ठीक है। अगर टाइम है तब जो है देखिए। हाँ सुनिए, ये भी सुन लीजिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर जी आप दारू पी के जो है सवाल बताते हैं, तो ये बताइए जब 10 बजे 11 12 बजे राति खान सवाल बताएंगे तो उस समय का जो हालात और जो है परिस्थिति, उस समय दिमाग का कंडीशन क्या रहेगा। हमको जो है इसी समय समय मिलता है, 10 या 12 बजे बताते हैं बनाते हैं वीडियो, या नहीं तो 2 बजे बनाते हैं। तो आप लोग बताइए 2 बजे रात को या तो 3 बजे रात को, ठीक है। तो 2 3 बजे जो है आप ही बताइए थोड़ा दिमाग जो है 100% काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ऐसा जो है रहता है सिचुएशन, ठीक है। ये जो है जो नींद जो आदमी तोड़ रहा है ना, तो एक दारू के बराबर ही काम कर रहा है। तो आप लोग को लग रहा है कि दारू पी के पढ़ा रहे हैं, भाई जो है दारू पी के जो है नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस समय जो है, इस समय लगभग 10:30 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 10:30 बजे का जो है आप लोग को जो है कंडीशन जो है, आदमी पूरे दिन जो है कुछ ना कुछ करना ही है, और इस समय जो है आदमी इसके बाद से आप लोग को समय दे रहा है, तो भाई थोड़ा सा जो है डिस्टर्बिंग तो होता ही है, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसा वैसा जो है कमेंट कर दे रहे हैं ना, कि थोड़ा आदमी दुखी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर वीडियो को देखिए, ठीक है, आप लोग की जैसी इच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों आज हम लोग प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो क्लास 10th डॉक्टर मनोहरी के बुक से लिया हुआ है, ठीक है। और इसका कमेंट भी आया है कि सर इसका जो है सभी सवाल बताइए, ठीक है। तो इसका जो भी सवाल बाकी है उसको जो हम पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3। यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतना और इतना, मैंने इस बात को जो है हम लोग मैंने ए वाला इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार जानकारी के लिए इसको लिख दिए हैं कि इसको जो है ब्रैकेट में और इसको ब्रैकेट में, ठीक, और कमा लगा के इसको जो है मझला ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि बी एक्स बराबर है ए वाई के, ठीक है। तो हम लोग को दिखाना है कि बी एक्स बराबर है ए वाई के। अक्का कह रहा है कि यदि बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बिंदुओं का मतलब ये बिंदु और ये बिंदु, ये बिंदु का मतलब इसको ऐसे लिखिए, अच्छा है ऐसे लिखिए, ठीक है ना। तो आपके किताब में ऐसे लिखा है तो हमने ऐसे भी लिख दिया है, ताकि जो है ये सुटेबल है, ठीक है ना। ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ठीक है। देख रहे हैं कामा लगा के अलग किया, तो हमने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे अलग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु हैं और उनके बीच में जो है है, मैंने ऐसे दो बिंदु हैं, कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के समान दूरी पर हो। तो बिंदु इतना और इतना के समान दूरी का मतलब कि मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच में एकदम बीचों बीच में कौन बिंदु रहेगा, वह ना समान दूरी पर होगा। हाँ तो एक मान के चलिए कि ये वाला जो बिंदु क्या है, तो यहाँ से भी समान दूरी पर स्थित है और यहाँ से भी समान दूरी पर स्थित है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस बिंदु को मानते हैं कि दो बिंदु ए और बी है, ठीक है, और इस पे कोई सी बिंदु बैठा है, ठीक है। और जिसका निर्देशांक मान लीजिए कि ए का निर्देशांक आपका ये है, यानी कि ए प्लस में बी और कमा लगा के बी माइनस में ए, ठीक है। और जो है सी का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, सी का निर्देशांक एक्स और वाई मान लेते हैं, यही एक ऐसा बंदर है जो इसके एकदम बीचों बीच लाइन पर बैठा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि बंदर हैं सब, ठीक है। और ये जो है बी है, तो बी का जो है वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, दोनों एक बतिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं ए माइनस बी, कमा लगा के ए प्लस बी, यह नो लिखा है तो ए प्लस बी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अब हम लोग को जो है दिखाना है क्या, कि बी अक्ष बराबर है ए वाई के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ मैंने ए सी की दूरी निकाल के और सी बी की दूरी निकाल के बराबर रख देंगे, क्योंकि ए सी बराबर है किसके, सी बी के, क्योंकि जो है यहाँ पे दे रहा है कि जो है ये जो सी बिंदु है हई वाला बिंदु, यानी कि जो तीसरा बिंदु है, इससे भी समान दूरी पर है और इससे भी समान दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या है कि ए सी बराबर है सी बी के, ठीक है। तो अब देखिए जब ए सी बराबर है सी बी के, तब हम लोग को जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र तो आप लोग को ज्ञाते होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है,
मान लीजिए कि कोई बिंदु जो है ऐसे ही न था आपके बुक में, ए और बी कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक एक्स वन और वाई वन है, ठीक है, और एक का निर्देशांक क्या है एक्स टू और वाई टू है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ए बी बराबर जो है क्या हो जाता है, तो अंडर रूट में क्या हो जाता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है, प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल ऑफ स्क्वायर। ये बेसिक सूत्र है आपका, ठीक है, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फार्मूला है। अब देखिए रूट है तो रूट को इधर भी मैंने इधर रूट को जब इधर लाएंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, तो यानी कि इसी सूत्रवा को हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर क्या एक्स टू माइनस वाई वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन है का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इतना बराबर हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं, अच्छा हम लोग ए बी बराबर, भाई ए बी बराबर इतना सूत्र में दिया है तो ए बी बराबर इतना भी लिख के जो है हम लोग तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को जो है ए बी बराबर इतना ले लीजिए तो इतना थोड़ा बेहतर नहीं रहेगा, ए बी का स्क्वायर बराबर इतना ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना भाई। देखिए ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट को इधर लाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट को वर्ग में कर दिया तब भाई जो है खाली इसके अंदर वाला ढांचा ये दिखेगा, ठीक है। तो यही वाला जो है सूत्र हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे कि दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या दिया है, यन दिया है कि ए सी बराबर है क्या सी बी के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर है क्या के, किसके, सी बी के, ठीक है। तो ए सी का वर्ग भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ए सी का वर्ग बराबर लिख सकते हैं सी बी का वर्ग लिख सकते हैं ना, मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ए सी का वर्ग भाई वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा सी बी का वर्ग के, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है ए सी का वर्ग निकालते हैं, पहले जो है ए सी का वर्ग निकाल लेते हैं, चाहे चलिए निकाल के देखते हैं दोनों एक तरफ आ जाएगा कि नहीं, दिखा पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो ए सी का वर्ग, तो ए सी का वर्ग बराबर है ये वाला सूत्र लगाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई, मैंने यही सूत्रवास है, यही सूत्रवास है, इसी सूत्र से हम लोग इसको प्राप्त करना है ए बी का स्क्वायर बराबर क्या एक्स टू माइनस एक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल ऑफ स्क्वायर, इसी सूत्र से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। वो अंडर रूट को जो है इधर ला रहे हैं तो क्या हो जा रहा है वर्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग ए सी के वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, ये सूत्र रख दीजिए, ये सूत्र रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, मैंने काटेंगे तो ही काट देंगे तुलना करके, मैंने देखिए चलिए हाइयर सूत्र रख दे रहे हैं ए बी बराबर अंडर रूट में है तना, ठीक है। तो चूंकि ए सी अब सी बी दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे हम लोग दिया है प्रश्नानुसार ए सी बराबर है किसके सी बी के, ए सी बराबर है सी बी के, तो ए बी अच्छा है ए सी मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो भाई एक तो सूत्र के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझाने के लिए कहे हैं, तो ए बी का मतलब कि ए सी, तो ए सी की दूरी हम लोग यह सूत्र लगाएंगे और सी बी की दूरी लगाएंगे तो वो यह सूत्र लगाएंगे। तो ए सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में लिखेंगे ना, ए सी बराबर अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। आ यह सूत्र इधर भी लिखेंगे क्योंकि सी बी की दूरी निकालना है, यानी कि इसकी ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो सी बी बराबर भी हम लोग यह सूत्र उपयोग करेंगे, माइनस में क्या सी बी बराबर लिख सकते हैं एक्स टू और माइनस में एक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में जो है क्या वाई टू माइनस वाई वन का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं। अब यह हम कह रहे थे कब देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया तो भाई ये सूत्र प्राप्त हुआ भाई ए स्क्वायर ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना एक्स टू माइनस एक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर है ना बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर भी यह सूत्र बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल ऑफ स्क्वायर, यह ना बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका मनवा जो है
कहाँ से रखेंगे या कैसे रखेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए भाई, अगर हम लोग ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं तो ए है, ए एक नंबर पे है, आई दो नंबर पे है, तो इसको मान लेते हैं एक्स वन, आई इसको मान लेते हैं वाई वन, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। आई इसको आई दो नंबर पे है तो इसको एक्स वन एक्स वन एक्स टू मान लेते हैं, इसको वाई टू मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इसी तरह से मान लीजिए ऊपर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब अगर जब इधर से हम लोग इसको जो है ज्ञात करेंगे, ठीक है, इधर से इसको मैंने बी आ सी, तो अगर इसको हम लोग प्रथम बिंदु मानते हैं तो यह एक्स वन हो जाएगा, हाई हो वाई वन, वाई वन हो जाएगा, हाई एक्स टू वाई टू दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो बस अब हम लोग जो है यहाँ से आराम से मान रख देंगे। तो जब ए सी निकालेंगे तो ए सी का मतलब ये इस बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी, ठीक है। तो ए सी की दूरी निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, ए सी का फार्मूला था, ठीक है, ए सी बराबर इतना, तो अब एक्स टू माइनस एक्स वन का होल हाफ स्क्वायर करना है। तो एक्स टू का मान देखिए यहाँ पे, एक्स टू का मान जो है क्या है, तो एक्स है, यहाँ पे देखिए एक्स टू का मान क्या है, एक्स है, तो एक्स टू की जगह यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स टू की जगह यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स टू की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब माइनस है तो माइनस एक्स वन, तो अब एक्स वन का मान यहाँ पर लेंगे तो ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, आई ब्रेकेट में लिखेंगे, क्योंकि यह एक ही अंक है या दो को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट में रहेगा और ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा अलग अलग दिखाने के लिए, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे भी लिखा था, ठीक है। मैंने दो गो अंक एक गो अंक जब लिखना है तो ब्रैकेट में बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे, ठीक है, तो इसीलिए इसको बांध देंगे। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स वन का मान हमने रखा, ठीक है। तो ये जो है एक प्रक्रिया पूरा हुआ, अब इस पर वर्ग है तो इसके लिए जो है एक, देखिए यहाँ भी हम, अब देखिए भाई जब छोटा कोष्टक लगाएंगे इस तरह से तो जो है यहाँ भी डबल डबल अब छोटा कोष्टक हो जाएगा वर्ग करेंगे तो इसलिए जो हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए मझला कोष्टक लगा देंगे, ताकि जो है मान लीजिए एक्स टू का मान रखा, हाई एक्स वन का मान रखा, ठीक है, तब देख रहे हैं इसको तो मझला कोष्टक छोटा कोष्टक में रखना ही है ए प्लस बी को, आई और ही छोटा कोष्टक आता तब कन्फ्यूजन करता, तो इसलिए इसको हम लोग मझला कोष्टक अपने लग से लगा देंगे, ठीक है, क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे है प्लस तो प्लस लिख देंगे, या फिर इसको भी लिखेंगे तो y2 का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो y2 का मान जो है y है, यहाँ पे देखिए y2 का मान यहाँ पे दिया है ना, y2 y को माना गया है, तो y2 टू का जगह यहाँ पर y लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y2 टू का जगह यहाँ पर y, ठीक है, y, अब माइनस में y1, तो यहाँ पे देखिए y1 का मान यही ना माना गया है, तो y1 क्या हो जाएगा, b माइनस a, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में b माइनस a, ठीक है, ये एक ही अंक है, मैंने वाई वन का मान है, तो है जो तो सूत्र में ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस ही रहेगा, हई जो मान रख रहे हैं तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। आ इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जो है कर देंगे, ठीक है, अब कोनो दिक्कत ना। अब देख लो भाई, वाई टू का मान रख दिया, वाई वन का मान रख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, आ काहे मझला कोष्टक लगा रहे हैं, ताकि यहाँ डबल डबल जो है मझला कोष्टक हो जाएगा, छोटा कोष्टक तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मझला कोष्टक इसको क्लियर करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस इन दोनों संख्याओं का जो है वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग हो गया। अब इसी तरह से इधर भी कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स टू, तो एक्स टू के जगह यहाँ पर जो है एक्स रखेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स टू को जो है एक्स माना गया है, मैंने एक्स टू का मान एक्स दिया है, तो यहाँ पे एक्स रख देंगे, माइनस में एक्स वन, तो एक्स टू के जगह यहाँ पर एक्स रख दिया है एक्स वन, तो अब हम भाई हम लोग बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लोग इधर एक्स वन माने हैं, वाई वन माने हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वन, तो यानी कि ए माइनस बी लेंगे एक्स वन के जगह यहाँ पर, तो ए माइनस में बी लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि जो है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग मझला कोष्ठक लगाएंगे, इसका वर्ग कर देंगे प्लस में। अब देखिए यहाँ भी वाई टू, तो वाई टू का मान देखिए वाई ए है, तो यहाँ पे वाई ले लेंगे, अब माइनस में जो है क्या आ जाएगा, वाई वन का मान, तो वाई वन का मान देखिए ए प्लस बी है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग ब्रैकेट में ए और प्लस में बी, ठीक है, और फिर यहाँ भी मझला कोष्ठक लगा देंगे ताकि बात क्लियर रहे, ठीक है, क्योंकि इसका वर्ग करना है, वर्ग है तो वर्ग करना ही पड़ेगा, हम लोग इसका और इसका मान रखे हैं, ठीक है, अब वर्ग है तो वर्ग रखना ही पड़ता है, ठीक है, तो वर्ग रख दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैंने दिमाग लगा के, कि एक्स माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि हाई एगो संख्या है, हाई एगो टोटल मिल के एगो संख्या है, तो इसको अगर हम लोग ए माने आ इसको बी माने, बीच में माइनस लगा दें, आ फिर जो है इसमें वर्ग है तो वर्ग, मैंने मझला कोष्टक लगा के चाहे वर्ग लगाइए चाहे छोटा, अब मैंने हाई ए को मान लिए पूरा, हाई बी मान लिए पूरा, तो मझला छोटा कोष्टक लगा सकते हैं, आ इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिए, तो यानी कि ए माइनस बी का ही होल ऑफ स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि ए का स्क्वायर होता है प्लस में
बी का स्क्वायर होता है माइनस में टू ए बी होता है, होता है। तो इसी बेस पे हम लोग जो है इसको यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक्स का स्क्वायर मैंने ए का स्क्वायर मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो है ए है हाई बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस में टू ए बी यानी कि ए और ए, ठीक है। मैंने हाई जो है आपको जो है समझाने के लिए केवल यहाँ दर्शाए हैं, आप लोगों को जो है परीक्षा में नहीं दर्शाना है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट इसको जो है समझ जाइएगा, ठीक है। तो या जो है आप लोग लिख भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख दीजिएगा चाहे यहीं पे लिख दीजिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जो है, ठीक है। अच्छा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मत लिखिएगा, खाली समझने के लिए समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है। तो अब जो है हम लोग इस पे जो है इसको विस्तार कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर होगा, दिखाई दे रहा है ना, एक्स का स्क्वायर हो गया। उसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर मैंने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी की जगह ये भाई है ना तो प्लस लिखेंगे ही लेंगे, अब बी का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी लिखेंगे ना, मैंने भाई इसको जो है ए प्लस बी टोटल को बी माना गया है, ठीक है। तो बी की जगह यह पर जो है ए प्लस बी लिखेंगे, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। अब माइनस में क्या होता है टू ए बी, तो एक हम लोग एक्स माने हैं तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिखिए एक्स, ठीक है। ए प्लस बी तो इनटू में ए प्लस बी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है अब लोग हम लोग जो है इसका और इसका जो हम लोग जो है क्या कर दिए, इसका इसका जो हम लोग सॉल्यूशन कर दिए, मैंने ए एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सॉल्यूशन हम लोग ने किया तो इतना आया, ठीक है। तो इसको एक एक बड़ा ब्रैकेट में दिखा देंगे इसको अलग करने के लिए, ठीक है। अब जो है फिर जो है यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। यह है कि पढ़न समीकरण प्राप्त हो रहा है, इसको भी लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, ये जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका भी जो है क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा बी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर होगा, अब उसके बाद से क्या हो जाएगा माइनस में टू ए बी, तो ए का मतलब वाई और बी का मतलब बी माइनस ए, ठीक है। तो अब इसको भी जो है अलग दिखाने के लिए कि हमने जो है इसका सॉल्यूशन इतना किया है, ठीक है। अब इतना हो गया, अब हम लोग जो है इसको विस्तार करेंगे, ठीक है। तो इसको विस्तार कैसे करें भाई, इसको विस्तार अब कैसे करें यहाँ से, इसको विस्तार करेंगे, चलिए तब यहाँ लिखते हैं इसको, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाई जो है किसका मान निकला, ए सी बराबर है इतना निकला, ए सी बराबर है इतना, और हम लोग जो है अब जो है क्या निकाल रहे हैं हाई सी बी, ठीक है। अब सी बी का हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ बराबर लिख के हाई सी बी या का निकालेंगे, तो सी बी यानी कि सी बी बराबर यहाँ पर दिखा रहे हैं हम कि सी बी बराबर इतना हम लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये भी जो है क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में टू ए बी होता है तो टू एक्स ए माइनस बी है, ए यहाँ पर इसका न करे थे हाँ तो इसका करे थे तो ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या किए एक स्टेप इसको कर लिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका करते हैं तो ए भी जो है बीच में प्लस है तो प्लस, अब वाई का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा टू ए बी, तो टू ए बी का मतलब टू दिखाई दे रहा है ना साफ साफ टू ए बी, टू ए, टू ए का मतलब क्या हुआ वाई, टू वाई, ठीक है। और बी का मतलब ए प्लस बी, तो इनटू में रहेगा ए प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो है पहले अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए सी को मैंने भाई इतना बराबर हम लोग को इतना लिखना था, ठीक है, इतना बराबर हम लोग को इतना लिखना था, ठीक है। तो यहाँ अटता नहीं इसके बाद से, तो इसीलिए हमने जो है इसको यहाँ से लिखा, ठीक है, ताकि सी बी आप लोग को समझ में लिख दिया कि सी बी बराबर इतना होगा, आई ए सी बराबर इतना होगा, ठीक है। तो अब फिर जो है इसको और इसको जो है सॉल्व करना है, तो पहले अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे ताकि दोनों अट जाए। तो पहले ए सी लिखते हैं, ठीक है, तो ए सी को लिखेंगे क्या, ऐसे ही जो है ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है, और खाली बड़का ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में टू यक्स
ए प्लस बी, ठीक है, टू एक्स माइनस में टू एक्स ए प्लस बी, ये ना होगा। अब भाई हटा के लिखते हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर आप प्लस में बी माइनस ए हैं होगा, बी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में जो है क्या हो जाएगा टू वाई आप बी माइनस ए होगा, हाँ हो गया। अब फिर बराबर भाई आप लोग कॉपी पे नोट करते जाएंगे ना तब जाकर सही रहेगा। अब फिर बराबर अब इसको लिखना है तो हम जो है इस बराबर को जो है यहाँ ला रहे हैं, समझे, खींच के यहाँ बराबर को ला रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। भाई आप लोग यहाँ बराबर मत, यहाँ बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। अब भाई लिखिएगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस में जो है क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बस ऐसे ही उतारते जाना, माइनस में टू एक्स ए माइनस बी है, अब प्लस में फिर हाई जो उतारना है वाई का स्क्वायर अब प्लस में ए प्लस बी, ठीक है। भाई जो भी वीडियो को पूरा देखेगा आज जो कॉपी पे नोट करेगा उसी को समझ में आएगा, टू वाई ए प्लस बी, ठीक है। वीडियो को पस कर करके आप लोग इतना बराबर है इतना लिखिएगा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे देखिए क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग इतना लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एक तरह से इसको थोड़ा सा क्रम से सजा देते हैं, ठीक है। तो क्रम से सजाते हैं, चाहे ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए, क्रम से सताने फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यक्स का स्क्वायर है, हाइयो यक्स का स्क्वायर है, हाई प्लस है, हाइयो प्लस है, जब हाई यक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस होगा तो यानी कि कट जाएगा, तो इसीलिए हम काट दे रहे हैं। मैंने देखिए हाई प्लस में यक्स है, हाइयो प्लस में बराबर के इधर, ठीक है, मैंने इतना बराबर है इतना है ना। तो देखिए यक्स का स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में, यक्स का स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में, तो दोनों जो है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस आप प्लस जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसको ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है, यहीं पे। अब यहाँ देखिए प्लस में वाई स्क्वायर इसमें भी है, अब प्लस में वाई स्क्वायर यहाँ भी आया, तो यह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस है, एक बराबर के इधर है, एक बराबर के इधर है, तो इसलिए यह माइनस ख़त्म हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो भाई एक हाइयो प्लस है, हाइयो प्लस है, तो इसको इधर उठा के लाएंगे तो अंत में कटेगा, तो यहीं काट दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है कुछ हल्का हो गया, आज अब कुछ हल्का हो गया तो अब फिर जो है हम लोग इसको समेट लेते हैं, तो अब जो हम लोग इसको समेट लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या इधर वाला, तो यहाँ पे बच रहा है माइनस में टू यक्स ए प्लस बी बच रहा है, बच रहा है, और ही का बच रहा है, और ही बच रहा है प्लस में बी आप माइनस में ए का होल ऑफ स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। अब माइनस में जो क्या बच रहा है टू वाई आप बी माइनस ए बच रहा है, बच रहा है न। इधर देखिए अब क्या बच रहा है, अब कुछ छोटा हो गया तो आराम से इधर लिख सकते हैं, तो इधर देखिए क्या बच रहा है, इधर बच रहा है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये ना बचा है, हाई बचा है माइनस में जो है टू यक्स आ ए माइनस बी, ये ना बचा है, आई वो हाई बचा है क्या, माइनस में टू वाई आ ए प्लस बी, ठीक है, ये ना बचा है। अब देखिए क्या हो सकता है भाई, अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, अब इसमें जो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को खोल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अब दोनों तरफ इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम चाहें तो इसको काट सकते हैं इससे, ठीक है, कैसे कैसे काट सकते हैं, देखिए बी माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो उतना आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो उतना आएगा, ठीक है, लास्ट में कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, देखिए हम आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है काट देंगे, यहाँ पे समझा देते हैं, देखिए भाई ए अब बराबर के इधर लिखेंगे ना, हाँ मैंने बराबर के इधर इतना, बराबर के इधर इतना लिख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा तो। अब यहाँ पे देखिए माइनस में टू यक्स, अब टू यक्स का ए में गुणा करेंगे तो माइनस में टू यक्स ए होगा, होगा, देखिए माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस से आएगा, और टू यक्स में ए का गुणा करेंगे तो टू यक्स ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, और टू यक्स बी हो जाएगा, तो टू यक्स और बी लिख देंगे, लिख देंगे, इसको कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको विस्तार कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और इसका वर्ग कर देंगे, है ना, इसका तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में टू ए बी हो जाएगा, होगा ना। देखिए अब इसको चाहे तो एक ब्रैकेट में दिखा लीजिए कि हेतना का मतलब हेतना,
भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब बी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस में टू ए बी होगा। आई जो है जितना है उतना लिखिए, तो माइनस में टू वाई, आ देखिए इसको भी खोल दीजिए ब्रैकेट को, तो टू वाई का बी में गुणा होगा तो माइनस में टू वाई बी हो जाएगा। आई माइनस है, आई माइनस है, माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, आ टू वाई ए हो जाएगा, तो टू वाई ए यहाँ पे लिख देंगे ठीक है। अब देखिए, अब फिर बराबर है तो बराबर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में बी का स्क्वायर लिखेंगे माइनस में टू ए बी लिखेंगे भाई, जो है क्लियर करने के लिए कि इसका सॉल्यूशन ये है, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं ठीक है। अब देखिए ये जो है क्या रहेगा, तो इसको भी थोड़ा खोल लेंगे तो माइनस में टू एक्स ए हो जाएगा, टू एक्स ए हो जाएगा ठीक है। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में भाई देखिए प्लस में टू एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, टू एक्स बी हो जाएगा, तो टू आई एक्स बी कर देंगे ठीक है। इसका हो गया, अब जो है बचा है तो इसको लिख देते हैं फिलहाल में टू वाई लिख देते हैं, टू वाई आई ए के गुणा होगा तो टू वाई ए हो जाएगा होगा। आइए देखिए माइनस है आईओ और प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, और टू वाई बी लिख देंगे, तो टू वाई बी लिख देंगे ठीक है। समय तो देना पड़ेगा भाई आप लोगों को, समय नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, कुछ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई प्लस में जो है क्या है, देखिए बराबर के इधर प्लस में हो और बराबर के इधर प्लस में हो तो वो जो है कट जाता है। कहने का मतलब ये है कि ए का स्क्वायर बराबर जो है ए का स्क्वायर हो तो भाई जीरो हो जाता है, माने ए स्क्वायर इधर मान लीजिए कि ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो ए स्क्वायर किधर लाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर होगा हैं, अब बचेगा एक्स तो अभी जीरो हो रहा है जीरो, तो इसीलिए इसको इधर ही से इधर काट देते हैं, तो इसीलिए अभी काटे हैं सब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो आइयो देखिए अभी बराबर दिख रहा है, एक बी का स्क्वायर दिख रहा है प्लस में ए का स्क्वायर माइनस में टू ए बी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर दिख रहा है, मैंने इसको बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, प्लस में है तो चिन्ह बदलेंगे, इसको बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस में टू ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है। तो अब इतना ही दिख रहा है सामान, आइयो सामान दिख रहा है तो यो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे थे कि इसको और इसको खत्म कर सकते हैं ठीक है। तो ये खत्म हो गया, अब बचा का इधर इधर देख लेते हैं, तो इधर बच रहा है माइनस में टू एक्स ए माइनस में टू एक्स बी, और का बच रहा है तो माइनस में टू वाई बी माइनस में टू वाई ए माइनस में टू वाई ए ठीक है। आ इधर का बच रहा है तो इधर देखिए का बच रहा है, तो इधर बच रहा है क्या माइनस में टू एक्स ए प्लस में टू एक्स बी माइनस में टू वाई ए माइनस में टू वाई बी, यह ना बच रहा है हाँ। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए कौन खत्म होने वाला है, तो यहाँ माइनस में टू एक्स ए है, यहाँ भी माइनस में टू एक्स ए है, तो यो खत्म हो जाएगा जीरो हो जाएगा हाँ। माइनस में टू एक्स बी है प्लस में टू एक्स बी है, तो एक्स बी आई एक्स बी को एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस में टू एक्स बी है हैं, आ हाई प्लस में टू एक्स बी है तो बराबर के इधर आएगा, तो यो माइनस में टू एक्स बी हो जाएगा होगा। अच्छा तो भाई मान लीजिए कि इधर आ गया इधर हैं, अब बचा क्या माइनस में टू वाई बी माइनस में टू वाई